Hello students, welcome back. Now we are going to end of this chapter. Last few adjustment and the chapter is complete. So the adjustment number 14 is insurance premium of shop paid rupees 500. Shop ka insurance premium pay kiya. So cash decrease and expenses deducted from capital. So capital also decrease. Cash decrease, capital decrease. There is no change in the value of liability. So decrease in asset as well as in capital. Next adjustment is a computer of rupees 8000 is purchased from Sri Krishna Computer Company. Credit se purchase kiya hai और कंप्यूटर परचेज किया है. दिस इज द क्रेडिट परचेज ऑफ असेट. सो फर्स्ट कंप्यूटर असेट इंक्रीजेस. असेट कम्स इनटू द बिजनेस, कंप्यूटर कम्स इनटू द बिजनेस, दैट्स व्हाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी, क्रेडिट से परचेज किया है हमने श्री कृष्णा कंपनी के पास. वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर इन फ्यूचर टू श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी. सो दिस इज द लायबिलिटी फॉर बिजनेस. सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज ओनर विथड्रॉ रुपीज 1000 फ्रॉम बिजनेस. ओनर जो है बिजनेस में से अमाउंट 1000 विथड्रॉ कर रहा है. दिस इज ड्रॉइंग. सो कैश डिक्रीज, 1000 वो लेके जा रहा है. सो कैश डिक्रीज बाय रुपीज 1000. अनदर कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल वुड बी ऑल्सो डिक्रीज बिकॉज ओनर विथड्रॉ रुपीज 1000 फ्रॉम बिजनेस. That's why decrease in the value of capital. Drawing is always deducted from the value of capital. So this is the drawing for the business and deducted from the capital. Next one is account settled of Rajesh. Rajesh ka account jo hai wo settle kar diya hai. Ab kis tarah se hum amount find karenge, kitne payment karne the Rajesh ko. Third adjustment mein goods of 8000 purchased from Rajesh. 8000 के गुड्स हमने परचेज किए थे राजेश के पास. फिर हमने क्या किया, सेवंथ ट्रांजेक्शन में गुड्स ऑफ रुपीज 1000 रिटर्न टू राजेश. 1000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए थे तो डिडक्टेड फ्रॉम परचेज. तो 7000 हमें राजेश को पे करना था. अब एडजस्टमेंट नंबर 17 इज अकाउंट सेटल्ड ऑफ राजेश, यानी कि 7000 हमने राजेश को पे कर दिया. नाउ payment is made, so the accounting entry will be Rajesh account debit to cash account. So cash decreased by rupees 7000. There is no change in the value of capital and liability जो थी हमारी राजेश की वो भी decrease हो जाएगी. यानी कि राजेश का account जो liability में हमने बनाया था वो अब close हो जाएगा. First cash decrease and liability decrease. नेक्स्ट वन इज अकाउंट सेटल्ड बाय रमन. रमन का अकाउंट सेटल हुआ, रमन ने अकाउंट सेटल किया. अब रमन के जो एडजस्टमेंट थे वो थे फिफ्थ एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 सोल्ड फॉर 9000 टू रमन ऑन क्रेडिट. रमन को हमने क्रेडिट से सेल किया था 9000 सोल्ड टू रमन. रमन ने एट एडजस्टमेंट में देखो गुड्स ऑफ रुपीज 2000 रिटर्न बाय रमन. 2000 के गुड्स रमन ने हमको रिटर्न कर दिए. ही रिटर्न बैक 2000 गुड्स टू अस. सो रिसीवेबल्स फ्रॉम रमन इज रुपीज 7000. 9000 के गुड्स सेल किए थे, उसने 2000 के गुड्स रिटर्न किए. सो द अमाउंट 7000 इज रिसीवेबल फ्रॉम रमन. रमन सेटल द अकाउंट. सो द अकाउंटिंग एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट. कैश कम्स इन टू द बिजनेस एंड हु इज द गिवर ऑफ कैश, रमन. दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट. सो द एंट्री विल बी कैश इंक्रीज एंड डेटर डिक्रीज. जो हमने डेटर का
कॉलम असेट में डेटर हमने जो लिखा था वो हो जाएगा कैंसल, क्योंकि 7000 के डेटर जो अब थे अब वो हमें पे कर रहा है तो डेटर अब नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई डेटर अकाउंट विल बी क्लोज्ड. सो कैश इंक्रीजेस एंड डेटर डिक्रीजेस, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी. सो हियर इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज कंप्लीट. आई होप कि ये इलस्ट्रेशन 2 आपको समझ में आ गया है. नाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, द अकाउंटेंट हैज टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनुअल अकाउंट, एज आई सेड बिफोर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अंडर डबल एंट्री सिस्टम, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. द बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स P&L अकाउंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट. एंड फाइनली बैलेंस शीट डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल स्टेट्स ऑफ बिजनेस. अंडर इक्वेशन ऑल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोड, बट हाउ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांजेक्शन इज एक्सप्लेन. ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन सारे अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप हम जाए तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देयर आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड देयर आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. बट इन दिस चैप्टर हमें ये बताया गया है कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट दी जाती है. द एक्सप्लेनेशन इन दिस रिगार्ड इज गिवन इन दिस चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. दस द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन मेथड कैन बी अंडरस्टूड इन बेटर मैनर. इससे आपको क्या पता चलेगा कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट देनी है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है क्लोज. दिस चैप्टर इज कम्प्लीट. नाउ योर होमवर्क इलस्ट्रेशन 1 और 2 आपको अपनी बुक में लिखना है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 विच इज MCQ एंड क्वेश्चन नंबर 2 19 ट्रांजेक्शन है, उसको इस तरह से आपको इफेक्ट देनी है इक्वेशन के हिसाब से. असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो इतना है हम आपका होमवर्क. द चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए और इस चैप्टर को बेटर वे में समझने की ट्राई कीजिए, रिवाइज कीजिए सारे रूल्स. थैंक यू वेरी मच.